हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिविल हाउस डिजाइन में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D होम डिजाइन सॉफ्टवेयर। अलग अलग कामों के लिए अलग तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग में टॉप 5 सॉफ्टवेयर हैं जो 3D हाउस डिजाइन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें नंबर 5 पर है ऑटोकैड 3D सॉफ्टवेयर। अगर आपको ऑटोकैड 2D आता है तो आप 3D इजीली वर्क कर सकते हैं। इसके लिए किसी तरह का कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली यूट्यूब से या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं। ऑटोकैड 3D में कमी ये रहती है कि इसकी जो रेंडरिंग भी होती है वो ज़्यादा क्लीन नहीं होती, इसलिए हम अगले सॉफ्टवेयर की बात करें। नंबर 4 पर आता है हमारा स्वीट होम 3D। ये बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या है, मटेरियल और फर्नीचर की लाइब्रेरी होती है, जहाँ से हमें मटेरियल को या फर्नीचर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना होता है, जिससे इजीली कोई भी इंटीरियर डिजाइन बन जाता है। ये ऑटोकैड से बेटर सॉफ्टवेयर है। इसमें रेंडरिंग भी ऑटोकैड से बेटर होता है, बट इसमें क्या है कि जब हमें कॉम्प्लेक्स कोई स्ट्रक्चर बनाना या कोई एक्सटीरियर डिजाइन करना हो तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बेस्ट नहीं है। तो इसलिए हम अगले सॉफ्टवेयर पे आते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा गूगल स्केचअप। ये गूगल का सॉफ्टवेयर है। ये भी बहुत ही इजी 3D डिजाइन के लिए सॉफ्टवेयर है, और ये ऑटोकैड और स्वीट होम 3D से भी बेटर है। स्वीट होम 3D की तरह इसमें मटेरियल और फर्नीचर की लाइब्रेरी होती है, जहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इजीली 3D डिजाइन किया जा सकता है। ये सॉफ्टवेयर एक्सटीरियर डिजाइन के लिए ही बेटर होता है कंपेयरिंग टू स्वीट होम 3D। बट क्या है कि इस सॉफ्टवेयर को कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए हम नंबर 2 पे आते हैं। हमारा सेकंड नंबर पे है ऑटोडेस्क रैबिट सॉफ्टवेयर। ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है। छोटे से लेकर बड़े तक के हर स्ट्रक्चर के लिए इस सॉफ्टवेयर को डिटेल में डिजाइन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसकी कमी क्या है कि लो रेंडरिंग होती है इससे, बट इसमें क्या है कि डिटेलिंग में और एनालिसिस के लिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा सकता है। इसलिए हम आगे आते हैं। नंबर 1 पर आता है हमारा, नंबर 1 पर है ऑटोडेस्क 3DS मैक्स सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के पर्पज से नंबर 1 पर सॉफ्टवेयर है, यानी कि बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और साथ साथ इसको एनिमेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में रेंडरिंग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही हाई होती है, और साथ साथ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिए भी इस सॉफ्टवेयर को ईजिली यूज किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर हमें यूज़ करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप सॉफ्टवेयर किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि आप कॉम्प्लेक्स और हाई क्वालिटी के स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो 3DS मैक्स बेस्ट है। अगर आप 3D हाउस डिजाइन, जिसमें आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर दिखाना है, तो उसके लिए गूगल स्केचअप बेस्ट सॉफ्टवेयर रहता है। लेकिन सिंपल सा अगर 3D हाउस बनाना है जिसमें एक्सटीरियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो और इंटीरियर दिखाना हो, तो उसके लिए स्वीट होम 3D बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर होता है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काम के लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।